यदि चंद्र खराब है तो आजमाएं लाल किताब के लिए अचूक उपाय। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा मिथुन और कर्क राशि में उच्च होता है एवं वृश्चिक में नीच। लाल किताब के अनुसार गुरु और सूर्य एक ही जगह हैं तो चंद्र है। राहु के साथ होने से चंद्र ग्रहण, चंद्र व सूर्य की युति कूटनीतिज्ञ, चंद्र और मंगल की युति परिणाम की चिंता नहीं करने वाला, चंद्र और बुध की युति कूटनीतिज्ञ या कारोबारी, चंद्र व गुरु की युति शिक्षक या सलाहकार, चंद्र व शुक्र की युति सौंदर्य प्रिय कलाकार, चंद्र व शनि की युति न्यायप्रिय एवं मेहनती लेकिन निराशावादी, चंद्र व राहु की युति रहस्यमयी विद्याओं में रुचि एवं शोध, चंद्र एवं केतु की युति व्यक्ति को समझ पाना कठिन होता है। चंद्रमा के मित्र सूर्य और बुध हैं तथा राहु और केतु शत्रु हैं। मंगल गुरु शुक्र और शनि सम हैं, लेकिन लाल किताब में मित्र और शत्रु ग्रहों का निर्णय कुंडली की स्थिति के अनुसार होता है। लाल किताब के अनुसार यहाँ प्रस्तुत है चंद्रमा को शुभ करने के खाने के अनुसार अर्थात भावों के अनुसार उपाय। चंद्रमा के अशुभ होने की निशानी मन में अत्यधिक बेचैनी रहती है, माता लगातार बीमार रहती है, घर के जल स्रोतों का सूख जाना, महसूस करने की क्षमता क्षीण हो जाना मानसिक रोगों का कारण भी चंद्र को माना गया है। घर में यदि दूध देने वाला जानवर या घोड़ा हो तो वह मर जाता है। अशुभ चंद्र सुंदरता प्रेम और वैवाहिक जीवन को बुरी तरह से प्रभावित करता है। चंद्रमा पर शुक्र बुध शनि राहु और केतु की दृष्टि होती है तो मंदा फल होता है। राहु केतु या शनि के साथ होने तथा उनकी दृष्टि चंद्र पर होने से चंद्रमा अशुभ हो जाता है। खाने के अनुसार चंद्रमा के सामान्य उपाय। चंद्र खाना नंबर एक, घर में चांदी का बर्तन रखें, 24 या 27 की उम्र में शादी न करें, हरे रंग व ससुराल वालों से दूर रहें, बच्चों की सलामती के लिए नदी में सिक्का डालें, घर में टोंटी के साथ एक चांदी के बर्तन या केतली न रखें, चारपाई के चारों पायों में तांबे की कीलें ठोंकें, हमेशा अपने घर में चांदी की एक थाली रखें, पानी या दूध पीने के लिए हमेशा चांदी के बर्तन का प्रयोग करें। चंद्र खाना नंबर दो, घर के भीतर मंदिर का होना जातक की पुत्र प्राप्ति में बाधक हो सकता है। लगातार 43 दिनों तक कन्याओं को हरा कपड़ा बांटे। चंद्रमा से संबंधित चीजें जैसे चांदी का एक चौकोर टुकड़ा अपने घर की नींव में दबाएं। चावल चांदी मिट्टी से लिपा हुआ फर्श और माता का आशीर्वाद बहुत फलदायी होगा। चंद्र खाना नंबर तीन, पुत्री के जन्म के बाद चंद्रमा से संबंधित चीजें दान करें। पुत्र के जन्म के बाद सूर्य से संबंधित चीजें दान करें। अपनी बेटी के पैसे और धन का उपयोग न करें। आठवें घर में स्थित बुरे ग्रह के दुष्प्रभाव से बचने के लिए मेहमानों और दूसरों को खुलकर दूध और पानी बांटें। दुर्गा देवी की पूजा करें एवं कन्याओं को भोजन और मिठाई देकर उनके पांव छुएं और आशीर्वाद लें। चंद्र खाना नंबर चार, कोई भी कार्य की शुरुआत करने से पहले मटकी में दूध भरकर घर में रखें। व्यभिचार और अनैतिक संबंध जातक की प्रतिष्ठा और आर्थिक मामलों के लिए हानिकारक हैं। यदि दशम भाव में बृहस्पति हैं तो दादाजी के साथ पूजा स्थान में जाकर चढ़ावा चढ़ाएं। अधिक खर्च करने से अधिक आय की मान्यता है। चंद्र खाना नंबर पाँच, पंचम भाव में लालच व स्वार्थ से बचना चाहिए। किसी अन्य की सलाह मानकर अधिक काम नहीं करने चाहिए। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग न करें। लोगों की सेवा करें, इससे आपकी आमदनी और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। चंद्र खाना नंबर छह, दूध और पानी का दान जहर समान। रात के समय दूध कभी न पिएं। किसी को पानी न पिलाएं। अस्पताल या शमशान भूमि में कुआं खुदवाएं। चंद्र खाना नंबर सात, 24वें वर्ष में विवाह संस्कार नहीं करना चाहिए। माता को हमेशा खुश रखें। लाभ कमाने के लिए कभी भी दूध या पानी न बेचें। पत्नी शादी में अपने मायके से अपने वजन के बराबर चांदी और चावल लाएं। शमशान भूमि की सीमा के भीतर स्थित जल या कुएं से पानी लाएं और अपने घर के भीतर रखें। चंद्र खाना नंबर आठ, जुए सट्टे से दूर रहें। मंदिर में चना व दाल अर्पण करें। अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध समारोह आयोजित करते रहें। बुजुर्गों और बच्चों के पैर
छूकर आशीर्वाद लें। चंद्र खाना नंबर 9, घर की अलमारी में चांदी का टुकड़ा रखें। मजदूरों को दूध परोसना चाहिए। घर में चंद्रमा से संबंधित चीजें रखें। सांप को दूध पिलाएं और मछली के लिए चावल डालें। चंद्र खाना नंबर 10, धार्मिक स्थानों की यात्रा भाग्य वृद्धि में सहायक होगी। बारिश अथवा नदी का प्राकृतिक जल किसी कंटेनर में भरकर अपने घर के भीतर या छत पर 15 साल तक रखें। रात में दूध न पिए। शराब, मांस और व्यभिचार से बचें। दुधारू पशु न पालें। चंद्र खाना नंबर 11, भैरव मंदिर में दूध चढ़ाकर उदारता पूर्वक दूध दान करना चाहिए। पेड़े के 125 टुकड़े नदी में प्रवाहित करना चाहिए। सुनिश्चित करें कि दादी अपने पोते को न देखने पाए। दूध पीने से पहले सोने के एक टुकड़े को आग में गर्म करें और दूध के गिलास में डालकर बुझाएं। इसके बाद दूध पिए। चंद्र खाना नंबर 12, धार्मिक साधु संतों को कभी भी दूध और भोजन न दान करें। कान में सोने के आभूषण धारण कर ईश्वर की आराधना करें। धार्मिक स्थलों की यात्रा करते रहें। स्कूल, कॉलेज या अन्य कोई शैक्षणिक संस्थान न खोलें। निःशुल्क शिक्षा पाने वाले बच्चों की मदद न करें।